इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 17 के बीजेपी प्रत्याशी नितिन कश्यप के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी ने वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए खुद को दृढ़ संकल्प बताया। इंदौर नगर निगम चुनाव में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 17 में बीजेपी प्रत्याशी नितिन कश्यप चुनावी मैदान में है। रविवार की रात बीजेपी पार्षद प्रत्याशी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय कवि और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस आयोजन के दौरान कांग्रेस नेता विनोद शर्मा अपने अन्य साथियों के साथ बीजेपी में शामिल भी हुए, जिनका वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। जब इंदौर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा, पार्षद महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा और बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा। और अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे अगर कांग्रेस का महापौर बन गया तो हमारा जो विकास है सब रुक जाएगा, क्योंकि वहां से अगर वो पैसा भी भेजेंगे तो ये यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे। और क्योंकि उसमें नाम किसका होगा? मोदी जी का होगा, कि उनके द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है उनके द्वारा काम किया जा रहा है। और जब कांग्रेस के उसकी परिषद होगी तो केंद्र की सरकार राज्य की सरकार यहाँ पैसा काम को भेजेगी नहीं, तो हम सब लोग उस हमारी जो विकास की गति रुक जाएगी। आइए विजय जी विजय, तो विकास की जो गति हम सब की रुक जाएगी। अगर हम सब चाहते हैं कि इंदौर का चौंक विकास होता रहे और मेट्रो से टेम्पो से लेकर मेट्रो तक की जो हमारा जो सफर है वो निरंतर चलता रहे, इसी प्रकार इंदौर स्वच्छ भारत बना रहे और हम जहाँ जाएं हम दोनों के साथ ये बीजेपी पार्षद प्रत्याशी नितिन कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वो वार्ड की समस्याओं से अवगत है, अगर उन्हें वार्ड की जनता का समर्थन मिलता है तो वो वार्ड का विकास करेंगे। इसके साथ ही वार्ड में देसी कलाली को हटाना भी उनकी प्राथमिकता होगी। आज वार्ड क्रमांक 17 के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन रखा था, जिसमें क्षेत्र की जनता, वार्ड क्रमांक 17 की जनता, माता बहनें, भाई भाइयों का मुझे अपूर्व प्यार मिला और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और जनता का उत्साह तो आपने भी देखा है, काफ़ी उत्साह में लोग थे, जय जय श्री राम के जय घोष लग रहे थे। विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा जी सैकड़ों की तादाद में अपने साथियों के साथ कांग्रेस से आज बीजेपी ज्वाइन करी उन्होंने, और विनोद शर्मा जी लगातार
पिछले 20 वर्षों से जनता की सेवा वार्ड क्रमांक 17 में कर रहे थे और देश हित में उन्होंने आज ये फैसला लिया। काफ़ी इनके आने से पार्टी को यहाँ लाभ होगा। विकास की बात की जाए तो कई कॉलोनियाँ ऐसी जहाँ पर आज सड़कें भी ढीले थी, क्या करेंगे आप? उनका संपूर्ण विकास करेंगे। क्या क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे? यहाँ का प्रमुख मुद्दा तो कलाली हटाना है। जैसे कि मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, महिलाओं के द्वारा एक ही शिकायत सामने आ रही है कि यहाँ पे जो देशी कलाली है सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को आने जाने में यहाँ होती है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ से इस कलाली को हटाना है। एक किलोमीटर में नहीं है ऐसा, वो उनकी परिधि कुछ है तो उस हिसाब से है और मैं निश्चित ही क्षेत्र की जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करूँगा। सरकार इस पर विचार कर रही है, जो भी एक्शन प्लान बनेगा उसको हम कम कर। फिलहाल जनसंपर्क के दौरान पार्षद प्रत्याशी नितिन कश्यप को भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।